मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण करने के साथ ही शहर में उन्हें बधाई देने के लिए लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। ये पोस्टर यादव समाज की ओर से लगाए गए हैं, पर इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के सीएम पद की शपथ लेते ही पोस्टरों के जरिए उन्हें बधाई संदेश देने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुरहानपुर के मुख्य मार्गों पर सीएम को बधाई संदेश के लिए लगाए गए पोस्टर चर्चा के विषय बने। इस पोस्टर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और नए सीएम मोहन यादव को बातचीत करते दिखाया गया है। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव को भी पोस्टर में जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता और बुरहानपुर नगर निगम के सभापति अनीता यादव के पति अमर यादव ने लगवाए हैं। उनका कहना है कि यादव समाज के लिए ये गौरव का पल है, इसलिए ये पोस्टर लगाए गए। ये संदेश है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में हमारा ओबीसी का नेता भले दल अलग हो, पर हमारे समाज का नेता है और यादव समाज की ओर से मुख्यमंत्री बना है, इसलिए पूरे समाज की तरफ से होर्डिंग लगे और फ्लेक्स लगे उसमें, और ये अपने समाज के लेके उसमें चाहे पीसी अरुण यादव जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो समाज में कोई पार्टीबाजी वाला मामला नहीं है। जहाँ पार्टीबाजी का मामला आएगा वो अपने अपने दल में दोनों लोग खड़े अलग अलग। इस पोस्टर का कोई सियासी मायने तो नहीं है? कोई सियासी मायने नहीं है, ये मात्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। पोस्टर के चर्चा में आने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज लधवे का कहना है कि मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं बल्कि सभी के हैं, लिहाजा कोई भी उन्हें बधाई दे सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं तो उनका भी स्वागत है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी इस पोस्टर के सियासी मायने होने से साफ इनकार किया है। देखिए कि अब हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बन गए हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री सबके हैं। और शहर में यदि कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो लगे हैं, वो सामाजिक हिसाब से हो सकता है लगाए हो, उनके समाज के हैं इसलिए लगाए हो, लेकिन मुख्यमंत्री सबके हैं। और पोस्टर यदि लगाया सबने लगाना चाहिए, मुख्यमंत्री अब अपने मध्य प्रदेश के हो गए हो, तो ऐसे समय यदि कोई पोस्टर लगाता है तो हम भी उनका भी स्वागत करते हैं। उधर कांग्रेस ने भी इस पोस्टर पर बीजेपी की तरह ही अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि यादव समाज का होने से समाज के लोग उनको बधाई देने के लिए पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने भी इस पोस्टर के कोई सियासी मायने नहीं होने की बात कही। देखिए, ये पोस्टर एक सामाजिक तौर पर लगाया गया है, क्योंकि हर समाज में एक परंपरा होती है कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति किसी उच्च पद पे पहुंचता है तो समाज के लिए हर्ष का और गौरव का विषय होता है। इसी तारतम्य में ये पोस्टर बुरहानपुर शहर में लगाया गया है और मैं आपके माध्यम से हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री यादव जी को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश और विशेषकर हमारा बुरहानपुर प्रगति करे, उन्नति करे, विकास करे। भले ही सियासतदान पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने बताने से इनकार करे, लेकिन अरुण यादव और कमलनाथ के बीच चल रही सियासी कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है और समय समय पर ये चर्चा और भी जोर पकड़ लेती है कि अरुण यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पोस्टर के आने से फिर इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। बुरहानपुर से शरीक दुर्रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।